तेल खत्म होगा कि नहीं होगा भाई, आज तेल खत्म होगा। तो फाइनली हमारी बेबी H2 कितने की माइलेज दे रही है बता दूं? बता दूं? हो गया भाई साहब, हो गया 1 लीटर। देखो भाई 1 लीटर तेल, यहाँ पे रोकते हैं अभी। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चल रही है भाई, पता लग जाएगा देख लो। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे लगी है कावासाकी निंजा ZX NR 2022 विद इंडियास लाउडेस्ट एग्जॉस्ट। और भाई साहब आज करने वाले माइलेज टेस्टिंग, भाई दिखा रहा हूँ एग्जॉस्ट, सुना रहा हूँ फिर दिखाता हूँ। तो बता दूँ इस पे फ्यूल मीटर नहीं है, मतलब कितना पेट्रोल है नहीं है पता नहीं लगता है। बाइक चली है 536 किलोमीटर, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ माइलेज कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आऊँगा भाई साहब, ये फ्यूल दिखा रहा है 7.2 लीटर, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है ना भाई, ये देखो ट्रिप ए को करते हैं हम लोग जीरो, ये देखो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाई साहब, हम लोग जीरो, ये देखो ये फ्यूल ये भी हो गया जीरो। अभी माइलेज पता लग जाएगी कैसे, कितने फ्यूल पे कितनी किलोमीटर चली है पता लग जाएगा। तो हम लोग टेस्ट करेंगे 1 लीटर पेट्रोल पे कितने किलोमीटर चली है, तो ये हम उससे माइलेज को पता लग जाएगा। और बाइक अपने आप भाई रोड पे हो गई, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो रोड मोड में बाइक है, बाइक चलाएंगे 100-120 के स्पीड पे, और माइलेज देखो कितनी निकल के आती है। तो चलो अभी चलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चल रही है बाइक पता लग जाएगा देख लो। तो 1 2 3 स्टार्ट। चलो 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 चलो, मेरा राइडिंग स्टाइल देख लो भाई कैसा है। क्विक शिफ्टर मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपरली चल रहे हैं यार। स्पीड देख लो, साउंड देख लो, मजा देख लो। ओहो यार क्या बोलूँ भाई साहब, स्पीड तो कुछ है ही नहीं इसके लिए। गंद मचा रखा है भाई साहब, गंद इसकी आवाज ने पूरे यार पूरे हाईवे पे गंद मचा दिया है। कितनी माइलेज दे रही है भाई, कितनी माइलेज दे रही है सोनू भाई आपकी बाइक, बता दो बता दो। हाईवे पे माइलेज टेस्टिंग कर रहे हैं, सिटी पे भी करके बता दूंगा आप लोगों को कि कावासाकी निंजा ZX NR 2022 की माइलेज कितनी है। भाई स्पीड 100 चल रही है यार, इकोनॉमी स्पोर्ट चल रही है, और 100 तो कुछ है ही नहीं। यार मेरे सर दर्द देने लग गया यार, सर दर्द इसकी आवाज से, इतनी ज्यादा लाउड है, इतनी ज्यादा लाउड है। भाई साहब थोड़ा आगे मिलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आगे जब ये बाइक चलती है कम से कम 10 किलोमीटर तो बताता हूँ भाई। पेट्रोल में बाइक चल चुकी है हमारी 7.5 किलोमीटर देख लो, तो अभी स्टिल बहुत बाकी है। 7 किलोमीटर चल गई है, 0.5 लीटर से भी कम पेट्रोल में, और स्टिल इट्स गोइंग मैन, स्टिल इट्स गोइंग। मीटर पे शो कर रहा है ना कि 0.5 लीटर तेल पे बाइक चली है 10.7 किलोमीटर, तो ये बाइक 22 की माइलेज दे रही है 22 की इस हिसाब से। तो अभी फिलहाल जब तक 1 लीटर नहीं चलेगा पूरा तेल, तब तक मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बताऊंगा, रुक के प्रॉपर दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चल रही है यार, चल रही है सच में, ये मेंटल है, मेंटल इसका नाम मैंने सही रखा है, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल बाइक। माइलेज के साथ साथ, परफॉर्मेंस के साथ साथ, पिकअप के साथ साथ, हमें सर्विस से लेके सब कुछ बाइक की अच्छी मिल रही है। तारीफ ऐसे नहीं करता आपका भाई, अगर कोई चीज़ वर्थ लगती है तो ही तारीफ करता है, ठीक है। बाकी आगे 1 किलोमीटर पे प्रॉपर हिसाब देता हूँ आप लोगों को।
भाई इसको सिटी ले जाऊंगा, मिक्स माइलेज टेस्ट करेंगे, बट नहीं, मुझे लगा था भाई 8 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, बट ये बहुत ज़्यादा चल गई है। तो अभी हम लोग हाईवे ही टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से प्रॉपर माइलेज भाई पता लगेगी इसकी। मैंने हाईवे ही पकड़ लिया फिर से और 14 किलोमीटर चल गई है लगभग, और चलने खोज रही है भाई, और चलने खोज रही है बाइक। और यहाँ पे चल रही है ओला S1 Pro, जो कि नई लॉन्च मार्केट में बैटरी वाली स्कूटरी है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है धीरे धीरे, एडवांस हो रहा है हमारा भारत भी, अच्छी बात है। बाकी यार यहाँ से, और भाई मैं बता दूँ यार, अपने भाई के भाई ने नंबर तो ले लिया है, नंबर भी आ गया है, नंबर क्या है बताऊँगा, बट बहुत ज़्यादा पैसे लग गए यार। मतलब इतने में यार एक बाइक आ जाती है यार, R15 तो आराम से आ ही जाती है जितने पैसे इसके रजिस्ट्रेशन के लगे हैं। 14 किलोमीटर चल गई है भाई 700 ml तेल में। आगे रुक के पूरा प्रॉपर कंक्लूजन दिखाऊंगा आप लोगों को। हाईवे माइलेज हो रही है, और सच में यार दिस इज़ माइंड ब्लोइंग यार, अमेजिंग, क्या वर्क करा है, मतलब यार क्या वर्क करा है, वर्क किसने करा है, कावासाकी टीम ने, पता नहीं भाई। मैं दूसरी बाइक की तो नहीं बता रहा हूँ, हायाबुसा की माइलेज तो यार मुझे 8-10 की आती है, बट इसकी माइलेज तो सच में यार इट्स माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे रोड पूरी की पूरी गीली है, जो कि यार मुझे नफरत है ऐसी रोडों से, ठीक है, मन भी नहीं है भाई आगे जाने का, बट अब क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। और कितनी चल गई है, 15 किलोमीटर चल गई है भाई साहब, 15 किलोमीटर। तेल खत्म होगा कि नहीं होगा भाई आज, तेल खत्म होगा कि नहीं, क्या है भाई, क्या है। तो मैं अब आगे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है आगे, और बाइक की ऐसी की तैसी हो जाएगी। यहाँ से मैं बाइक को घुमा लेता हूँ भाई साहब, भाई नहीं जाना है आगे, मुझे नहीं जाना है भाई आगे। यहाँ पे बाइक चल चुकी है 17.17 किलोमीटर, जो कि भाई साहब चली है 0.9 लीटर ऑफ पेट्रोल पे। अभी स्टिल इट्स गोइंग मैन, स्टिल इट्स गोइंग, मुझे लग रहा है कि ये 18-20 की माइलेज निकाल लेगी। खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब, तेल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई ये हाईवे की माइलेज है, हाईवे की। और मैंने बाइक भगाई भी है यार 100 के ऊपर, तो ओवरऑल लेट्स चेक। हो गया भाई साहब, हो गया 1 लीटर, देखो भाई 1 लीटर तेल। यहाँ पे रोकते हैं अभी, तो फाइनली हमारी बेबी H2 कितनी की माइलेज दे रही है बता दूँ कि आप ही लोग बताओगे कमेंट करके। हमारी बेबी H2 माइलेज दे रही है, हमारी बेबी H2 माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में 19.2 किलोमीटर। 1 लीटर क्लास सुपर बाइक होने के साथ ही साथ कितनी माइलेज का निकालना इट्स वेरी भाई साहब मुश्किल। इतना माइलेज दे रही है, मन खुश हो गया भाई देख के। 19.2 की माइलेज आई है 1 लीटर 2 पे, और देखते हैं यहाँ पे एवरेज कितनी शो कर रही थी। यहाँ पे एवरेज आ रही थी 15.4, जो कि मेरा टोटल घर का ट्रिप था वो 15.4 दिखा रही थी, बट लेकिन मेरी बाइक चली है ज़्यादा, और मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और इसके पेट्रोल लगभग अभी भी फुल होगा, मैं आप लोग को एक बार, ये देखो भाई तेल, ये अभी भी तेल इस पे लगभग फुल ही है, ठीक है यार। जो मुझे माइलेज मिली है वो 19.2 की है, जो अकॉर्डिंग टू माई मीटर, जो मीटर पे शो कर रही है, ठीक है, बट मुझे फिर भी अभी थोड़ा डाउट है। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं टैंक टू टैंक एक बार पूरा पेट्रोल ख़त्म करके माइलेज टेस्ट करूँगा। मुझे तो नहीं लग रहा है यार इतनी देती होगी, बट क्या पता यार, अगर 19 दे रही है तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग का क्या राय है भाई, क्या लगता है आप लोग को, इतनी सच में 10,000 माइलेज देती है 19 की हाईवे पे या नहीं, क्योंकि बाइक तो मैंने प्यार से चलाई थी।
सिटी पे आई थिंक यार 10 की माइलेज देती होगी, और टैंक टू टैंक करेंगे तो हो सकता है 8 की दे, 7 की दे, मुझे पता नहीं भाई, मुझे लगता था 5-6 की माइलेज देती है। अब आप लोग ही बताओ कमेंट करके, बाकी कर लेंगे ट्राई एक बार टैंक टू टैंक वाला, क्योंकि भाई मेरे को क्या है ना, बहुत मन करता है यार ये सब चीज़ देखने का करने का, इसीलिए भाई मैं वीडियोस करता हूँ, ठीक है। और ये मैं अपने लिए भी करता हूँ और आप लोग के लिए भी करता हूँ। मुझे यार बहुत दिन से था कि टेनर कितनी माइलेज देती है, कितनी माइलेज देती है, बट करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी। और स्टे ट्यून्ड रहे यार, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो भाई साहब, ऐसी प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय एंड लव यू ऑल।